आज का हमारा सेटअप जो है संगीत का हमारा सेटअप है बेसिकली, और सिर्फ हम लाइट और ट्रस लगाने वाले साउंड फ्रेंड गाय, तो उनके सेटअप पे हम हमारा लाइट और ट्रस लगाएंगे। तो ये गाड़ी आप देख सकते हो पीछे हो रही है खाली, और ट्रस का जो सामान है वो जा रहा है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल डीजे स्टैंडिंग इंडिया पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे साउंड और लाइट्स के इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में जो ट्रस के पिलर्स या बीम्स होते हैं इनको हम जॉइंट कैसे करते हैं। तो हमको उसके लिए चाहिए होते हैं ऐसे स्पाई गॉट, इसको स्पाई गॉट बोलते हैं, जो कि दो पिलर्स को जोड़ने के लिए काम आते हैं। ये बीच में लगते हैं और फिर इनके साथ में बुलेट्स का यूज़ होता है। मैं बताता हूँ कैसा लगेगा। तो उसमें एक साथ छोटा एक साथ बड़ा होल होता है, हम इसको ऐसा प्लेस कर देते हैं और इसको बोलते हैं बुलेट्स। तो जैसे कि छेद है, हमको उसके आर पार करना होता है एक एक बुलेट। हर एक स्पाई गॉट पर दो बुलेट्स लगते हैं पिलर्स को जॉइन करने के लिए। जैसे कि देख सकते हैं मैंने अभी लगा दिया है, और उसके सेफ्टी के लिए आर पिन लगा दी जाती है, और थोड़ा उसको हम हैमर से ठोक भी देते हैं ताकि जो हमने बुलेट लगाई है ये बाहर नहीं आ जाए ड्यूरिंग द शो। तो अभी मैं आपको चारों एक बार स्पाई गॉट लगा दूंगा, फिर आपको मैं कंप्लीट करके बताऊंगा कि कैसा इसका दिखता है, और ऐसे हम फिर इसको जॉइन कर देंगे। तो दोस्तों मैंने चारों स्पाई गॉट को यहाँ पर लगा दिया है, क्योंकि मैं एक हाथ में कैमरा था तो मैंने पहले काम करा और फिर मैं आपको रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ। तो अब हम उसको डायरेक्ट जो हमारा दूसरा पिलर है उससे हम इसे जॉइन कर देंगे। उसके लिए मेरे को फिर से जॉइन करना पड़ेगा एक बार कैमरा रख के। तो ऐसा हमको इसको जॉइन करना पड़ता है, और फिर सिंपली जो हमारी बुलेट्स हैं हमको दूसरी साइड पे लगानी होती है। तो जैसे कि देख सकते हैं हमारी बुलेट लग गई है, और कभी कभी ऐसा होता है कि सरफेस इक्वल नहीं रहती है, मतलब थोड़ी ऊपर नीचे रहती है, तो उसके लिए हमको हैमर का यूज़ करना पड़ता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम हैमर की मदद से हमारी जो बुलेट है उसको हम टाइट कर लेते हैं, और फिर चारों बुलेट्स पर हम आर पिन लगा के सेफ्टी से कर देते हैं। तो ये जो हमारा 20 फीट का पिलर है वो तैयार हो चुका है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, बाकी भी पिलर्स ऐसे ही कंप्लीट होंगे, लेकिन मैंने आपको सिर्फ डेमो देने के लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर पिलर खुद से रेडी करके बताया। तो दोस्तों अब थोड़ा आगे का काम करते हैं। तो अभी जैसे कि देख सकते हैं हमारा ऑलमोस्ट जो ट्रस के पिलर्स हैं बीम्स हैं हमने जॉइन कर लिए हैं। ये हमारे साइड के हैं, हमने जो स्टेज का साइज़ है वो 50x30 का, सॉरी ट्रस का जो साइज़ है हम 50x30 लेने वाले हैं, क्योंकि स्टेज जो है वो 40x24 है। तो ये हमारा साइड का रेडी हो गया है, हमने थोड़ा डिसीजन चेंज कराया और हमारा जो साइड की ट्रस्ट है हमने उसको कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं हमने ट्रॉली पर हमारे ट्रस को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन जो पीछे वाला पिलर बीम होता है उसको हम बाद में करेंगे जॉइंट, क्योंकि वो सर हमको स्टेज के ऊपर रखना था, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बैक में कर देते तो LEDs पे हमारी शार्पिस जाती है। तो सबसे पहले हम हमारे सारे पिलर्स खड़े कर लेते हैं, उसके बाद हमारी ट्रॉली को ऊपर चढ़ाएंगे, और साथ में जो बैक का जो बीम है उसको हम बाकी ट्रॉलीज में भी जॉइंट कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट पिलर खड़ा हो चुका है, ये हमारा सेकंड पिलर हो गया, और ये थर्ड पिलर, और ये साथ ही साथ में हमारा चारों पिलर खड़े हो चुके हैं। और अब बारी है थोड़ी ट्रस को ऊपर करते हैं, और जो बैक साइड वाला बीम है उसको हम कनेक्ट कर देंगे। साथ ही साथ वायरिंग का काम भी चालू हो गया है अब, जैसे कि देख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमको वायरिंग करनी होती है और फिर हमारी लाइट्स वगैरह उस पर टांगनी होती है। तो साथ में साउंड का काम भी चालू हो गया है। खैर साउंड का हमारा डिपार्टमेंट नहीं है इस बार, स्टिल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हमारी LED पार्स हमने लगा दी है, जो कि पीछे से BSM की X1 LED पार है। जैसे कि आपको पता है मैं पर्सनल यूज़ के लिए वही यूज़ करता हूँ, और मैं रिकमेंड भी करता हूँ। और साथ में जो शार्पीज़ है मेरे पास ओल्ड है, मेरी शार्पीज़ है जो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, वो है STANK 15R, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊँगा। लेकिन 54 LED पार्स हमने इसमें यूज़ करी RGB वाली, बाकी 10 से 12 वॉर्म लाइट हम LEDs यूज़ करेंगे, जो कि GI की है 80 LED वाली। ब्लेंडर्स का काम भी साथ में चालू है, थोड़ा ट्रस को ऊपर करते हैं और फिर हम शार्पीज का भी काम चालू कर देंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं हमारा काम जो है, ये हमारी शार्पीज है, अब इनको हमको डायरेक्ट ट्रस में हैंग करना है। ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट लगता है कि हमारी ट्रस में इनबिल्ट क्लैंप्स है, तो हमको हमारा टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। तो हमने 10 शार्पीज हमारी हैंग कर दी है, इनकी वायरिंग कम्प्लीट करते हैं फटाफट से। नीचे एक बार थोड़ी सी टेस्टिंग ले लेंगे, फिर हमारी ट्रस को हम ऊपर कर देंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं हमारी ये जो पावर कॉन होती है, मैं एक शार्पी से दूसरी शार्पी को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करता हूँ। मैक्सिमम में एक बार में 2 ही शार्पीज कनेक्ट करता हूँ, मतलब एक जो मेन शार्पी है जिसमें पावर आ रहा है, प्लस उसके साथ एक और जो शार्पी है उसकी पैर की। मैं इससे ज़्यादा कनेक्ट करना प्रीफर नहीं करता हूँ, क्योंकि लोड ऑब्वियसली समथिंग 500 वाट हमारी एक शार्पी लेती है एवरेज अगर मैं देखूँ तो। तो फटाफट से वायरिंग कम्प्लीट करते हैं, फिर हम आगे मिलते हैं वीडियो में।
तो हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, बस एक छोटी सी टेस्टिंग कर लेते हैं ट्रस को, फिर ऊपर कर लेंगे। हमारे देख सकते हैं हमारा मिनी पर्ल हमने निकाल लिया है ताकि हम टेस्टिंग कर लें थोड़ी सी, और फिर ट्रस ऊपर कर दे ताकि अगर कोई माल फंक्शन है, कुछ एरर होता है, तो हम उसको नीचे उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। और फाइनली हम ट्रस को ऊपर कर रहे हैं। तो भाई सेटअप पूरा कंप्लीट हो चुका है, टेस्टिंग वगैरह भी सारी हो गई है, अब सिर्फ रात का इंतजार है, मतलब आपको रात में डायरेक्ट टेस्टिंग दिखाऊँ बाकी, क्योंकि सब जो भी एड्रेसिंग वगैरह जो भी चीज़ें होती सब मैंने कंप्लीट कर दी थी, बस अब टेस्टिंग मतलब रात में जो शो होगा आपको वही सारी क्लिप देखने को मिलेगी, तब इन्जॉय करिए आप शो। और साथ ही साथ में देखिए एलईडी का भी काम स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि देख सकते पूरी एलईडी वॉल लग रही है पीछे, वैसे हमारे डिपार्टमेंट में स्टिल मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो भाई हमारा शो सक्सेसफुली एंड हो चुका है, हमारा हमने ट्रस भी फटाफट नीचे कर लिया। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हो गया था तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, लेकिन जैसे कि देख सकते हैं सारी केबल्स खोल दी है, एलईडी पार्स आर इन द केसेस और शार्पीज भी खुल रही हैं, हमने शार्पी को थोड़ा लास्ट में प्रेफर करा खोलना। तो फटाफट से सारा सामान खोलते हैं, ट्रस को नीचे करते हैं, गाड़ी लोड करते हैं और फिर देखते हैं दोस्तों। तो हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, लेकिन अभी भी सबसे चैलेंजिंग काम बाकी है, क्योंकि हमको सामान काफ़ी दूर तक लेके जाना है, और वो भी मतलब हाथ में लेके जाना पड़ेगा क्योंकि जो ट्रक है वो काफ़ी दूर खड़ा होता है गार्डन में। तो दोस्तों हमको सामान खोलते और यहाँ तक लाते लाते सुबह हो गई है, क्योंकि थोड़ा स्टेज बहुत दूर था, देखिए स्टेज वहाँ पर था एकदम, तो वहाँ से सामान लाना ले जाने के चक्कर में और खोलने के चक्कर में प्रोग्राम भी बहुत लेट एंड हुआ। खैर हमारा वीडियो ये था, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लस अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन देखने को मिलेगा, उसको जाके प्रेस कर दीजिए, क्योंकि साउंड और लाइट से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। दिस इज मी विशाल साइनिंग ऑफ।